हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं व्यू के बारे में। इसके पहले मैंने बताया था आपको कंट्रोलर के बारे में। तो कंट्रोलर क्या होता है, तो एमवीसी पैटर्न पर जो काम करता है हमारा फ्रेमवर्क, तो वो जो सी होता है वही एमवीसी का, वही सी कंट्रोलर होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल लेक्चर ले हूं, तो अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लो। आज बात कर रहे हैं व्यू के बारे में। तो व्यू क्या होता है, जो एमवीसी जितने भी आपके फ्रेमवर्क होते हैं सब एमवीसी पैटर्न पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो एमवीसी का जो व्यू है वही व्यू है, आप समझते हैं इसको पूरे डिटेल में। तो मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। अब व्यू समझते क्या है, तो जो भी फ्रंट में आपको दिखता है, यूजर को जो भी फ्रंट में दिखता है वेब पेज पर, वो व्यू पार्ट होता है। अब व्यू पार्ट का कोड लिखते कहाँ है, तो वो व्यू पार्ट का कोड लिखते हैं हम व्यू में। तो आपको मैं ले चलता हूँ वहां पर और बताता हूँ कि व्यू का कोड कहाँ लिखा जाता है। तो इसको करते हैं फिलहाल के लिए बैक, ओके, और चलते हैं अपने व्यू पार्ट में। तो व्यू पार्ट आपको कहां से मिलेगा, तो व्यू पार्ट के लिए आपको जाना होगा, पहले आपको जाना होगा रिसोर्सेस पर, देन आपको यहां मिलेगा व्यू पार्ट, ठीक है। तो यहां पहले मैंने होम के बारे में और वेलकम के बारे में बता दिया, अगर आपने लेक्चर को पहले से फॉलो किया है। तो चलिए आज हम बनाते हैं व्यू पेज। तो एक और बात बताता हूं मैं आपको, जब भी ये जो व्यू पेज होता है आपका, तो वो दो तरह से कॉल किया जा सकता है, कंट्रोलर से भी किया जा सकता है और राउट से भी। तो मैं दोनों से बताने वाला हूं। तो पहले व्यू पेज बनाता हूं। तो यहां लिखता हूं मैं व्यू डॉट एंड देन ब्लेड डॉट पीएचपी, क्लियर, ये हो गया। एंड देन करता हूं मैं एंटर। तो आइए आपका ये आ चुका है, ये जो हटाते हैं फिलहाल, इस फाइल कमरे को काम है नहीं, और इसको भी हटाते हैं फिलहाल के लिए, क्लियर। तो यहां आ गया। अब यहां कुछ लिख देते हैं जो मुझे डिस्प्ले होकर के चाहिए। इस पेज को मैं कॉल करने वाला हूं राउट के थ्रू भी और कंट्रोलर के थ्रू भी। तो यहां लेता हूं दिस इज व्यू पार्ट, क्लियर, ओके, ये तो हो गया। इसको कर देता हूं सेव। अब दूसरा काम मेरा क्या होगा, अब दूसरा मुझे जाना होगा रूट पर। तो रूट पर कैसे जाएंगे, तो रूट के लिए मुझे राउट के लिए जाना होगा। तो राउट पर जाता हूं मैं, और राउट से मुझे कहां जाना होगा, मुझे जाना होगा वेब डॉट पीएचपी पर। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर उस पेज को कॉल करूंगा। तो पेज को कैसे कॉल करना है, तो सिंपल है, इसको बस कॉपी करता हूं मैं और यहां पर पेस्ट करता हूं। और मेरे पेज का नाम क्या है, मेरे पेज का नाम है व्यू, ठीक है। और यहां पर इसको मैं कोई पाथ देता हूं ताकि वो आसानी से ब्राउजर पर कॉल हो सके, डिस्प्ले हो सके। तो पाथ मैं देता हूं इसको व्यूज, VIEWS, रिमेम्बर, ये आपका फाइल नेम है व्यू और यहां पर आपका पाथ है, ठीक है। इसको करता हूं सेव और अब देखते हैं क्या होता है ब्राउजर में। तो यहां जाता हूं मैं और यहां लिखता हूं फ्रंट स्लैश एंड देन व्यूज एंड देन एंटर। तो देखिए आपको दिस इज व्यू पार्ट आपको डिस्प्ले होकर के मिल गया। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको इस तरह से कोई लिखा हुआ ये है, तो इसको आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हो डायरेक्ट, लोकल होस्ट, तो भी आपको वही रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ठीक है। तो दिस इज व्यू पार्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। अब ये तो ठीक है, इसे तो आपने राउट से कॉल कर दिया। अगर मैं यहां चाहता हूं कि इसमें कुछ यूआरएल के द्वारा कोई डेटा पास करूं जो मुझे प्रिंट होकर के डिस्प्ले पर मिले, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए मुझे भी कुछ इसमें पैरामीटर्स ऐड करने होंगे। तो पैरामीटर कहां ऐड होगा वो देखते हैं। तो यहां पर आप व्यू लिखा हुआ है, तो यहां मैं कोई पैरामीटर ऐड करता हूं जिसका नाम होगा, ठीक है, जिसका नाम रखता हूं मैं, यहां कर्ली ब्रेसेस आपको देना होगा, और इसका नाम रखता हूं मैं नेम, क्लियर। एंड देन यहां फंक्शन के अंदर यहां लिखता हूं मैं डॉलर नेम, ये भी सही है। एंड देन यहां पर इसको मैं देता हूं कोई नेम, तो यहां देता हूं कॉमा देन स्क्वायर ब्रैकेट देन डबल कोट एन, ओके, इक्वल टू, यहां पर देता हूं मैं इसे डॉलर नेम, क्लियर। इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने व्यू डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी पर। यहां पे मुझे क्या करना होगा, डबल कर्ली ब्रेसेस देना होगा, क्लियर, एंड देन यहां पर लिखाना होगा डॉलर एन, ओके। इसको करते हैं सेव और चेक करते हैं कि क्या मेरा यूआरएल के थ्रू कोई पैरामीटर पास हो पा रहा है, कुछ भी प्रिंट कराना हो यूआरएल के थ्रू तो क्या प्रिंट हो पाएगा। तो स्लैश देता हूं यहां पर, यहां लिखता हूं अभी, ओके, एंड एंटर। तो देखिए आपको एरर दे रहा है, तो एरर क्यों दे रहा है वो चेक करते हैं, एरर क्यों आया। तो ठीक है, यहां पर यहां तक तो ठीक है, डॉलर एन, ओके, ये भी सही है। और यहां पर देखिए आपको स्लैश देना होगा एक, तो ये छूट गया था मेरा, उसके लिए
ध्यान नहीं आया था उसे, मुझे उसे देना भी है, तो यहाँ सेव करता हूँ मैं उसको, और यहाँ करता हूँ मैं फिर से रिफ्रेश। तो देखिए आपको प्रिंट होकर मिल गया, दिस इज व्यू पार्ट अविश, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि जब भी आपको पैरामीटर पास करना हो तो क्या करना होगा आपको, आपको अपने व्यू पेज में जाकर के यहाँ डबल कर्ली ब्रेसेस में लगाना होगा, कोई जो नेम आप लिए हो वो देना होगा, और यहाँ पर नेम का वैल्यू, सॉरी मैं वेरिएबल का वैल्यू यहाँ एन का दे दे रहा हूँ, डॉलर एन, और उसको यहाँ पर फिर कॉल कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया किसके थ्रू, ये मेरा हो गया राउट के थ्रू। अब मुझे अगर कंट्रोलर के थ्रू करना हो तो क्या करूंगा, तो चलिए कंट्रोलर के थ्रू करके देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जाना होगा कहाँ, कंट्रोलर पे। तो कंट्रोलर पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कैसे बनता है, तो यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आप उसको जाकर के आसानी से देख सकते हो। चलते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर आपको कहाँ मिलेगा, तो ऐप में जाना है आपको, देन HTTP एंड देन आपको यहाँ कंट्रोलर मिलेगा। तो यूजर कंट्रोलर जो मैंने पिछले क्लास में बताया था वो है। तो इसको भी बस करता हूँ कॉपी, ठीक है। अब इसमें कुछ थोड़ा सा आपको चेंज करना है, तो इसको यहाँ करता हूँ पेस्ट। अब चेंज क्या करना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने फंक्शन का नेम चेंज करता हूँ, तो मेरा हो गया फंक्शन का नेम व्यू, क्लियर। फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, ओके, और इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ रिटर्न में आपको क्या करना है, रिटर्न में आपको यहाँ देना है व्यू एंड देन अपने फाइल का नेम। तो अब मेरे फाइल का नेम क्या है, रिमेम्बर यहाँ पर फाइल का नेम मेरा क्या है, मेरे फाइल का नेम है व्यू। तो फिर से एक बार बता दूं आपको, ये व्यू और ये व्यू दोनों अलग अलग है, आप याद रखिएगा। यहाँ जो व्यू मैंने दिया है वो फाइल का नेम था, ठीक है, और ये व्यू अलग है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ तक तो हो गया, क्लियर। इसको करता हूँ मैं सेव। अब फिर हमें जाना होगा कहाँ पर, web.php में। तो web.php में जाता हूँ, फिर इसको करता हूँ कॉपी। अब इसलिए मैंने न्यू कंट्रोलर नहीं बनाया कि न्यू कंट्रोलर बनाओ फिर उसका न्यू पास दो फिर उसके बाद फिर से उसके लिए एक्स्ट्रा कोड लिखो, वो हो जाता है, इसलिए लिखने का वो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया, आपको मिल गया। अब यहां पर मैंने डाल दिया अपना, तो यहां लिख देता हूं इसका नाम, कुछ भी लिख दो, कुछ अलग लिख दो। यहां पर शो के जाके क्या करूंगा मैं, यहां कर दूंगा व्यू, अपने फंक्शन अपने मेथड को यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहां पर कोई नेम देता हूं मैं, पाथ दे दूं यहां पर, तो यहां पर पाथ क्या दे दूं, कुछ भी दे दो, v5 दे दो, ठीक है, v2 दे दो, सही रहेगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, एंड सेव करो इसको। तो एक और आपको काम करना होगा, यहां से आपको ये हटाना होगा फिलहाल के लिए, वरना एरर शो कर देगा, ठीक है, सेव इट। तो मैंने क्या क्या किया आप देख सकते हो यहां पर, मैंने यहां पर सबसे पहले यूजर कंट्रोलर में गया, अपना कंट्रोलर में जाकर के अपने फंक्शन के थ्रू अपने पेज को यहां पर कॉल किया, और उसके बाद मैं जाता हूं अपने web.php में, और यहां पर जाकर के राउट में यहां जाकर के अपने फंक्शन को कॉल करता हूं, क्लियर, और अपने यूजर कंट्रोलर जो पेज है, यूजर कंट्रोलर जो फाइल है उसको कॉल करता हूं एंड सेव करता हूं। यहां पर मेरा view2 मेरा है क्या, यहां पर यूजर पाथ है, तो यहां view2 कर देता हूं इसको, और देखता हूं क्या मुझे वो प्रिंट होकर के मिलता है। तो view2 यहां किया मैंने एंड देन एंटर। तो देखिए आपको दिस इज व्यू पार्ट आपको प्रिंट होकर के मिल गया। तो आपने देख लिया कि कंट्रोलर के थ्रू भी कॉल कैसे करते हैं।